नाजन ग्ररामी असल वरि वा मैं हूँ आपका अंसार अज़ीस नदवी और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के खसूस प्रोग्राम जिक्र मेरे हबीब का सल्ला वसम देख रहे हैं ग्रामी अलहमदिल्ला इस वक्त हम जिक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की एक सौ चौसठ में पेश करेंगे गुश्त हफ़्ते आपने देखा था और सुना था कि किस तरह गुरबा नवाजी मुसाफरन की फ़लाह और हाजतमंदों की खबरगिरी के प्रोग्राम खुद अपनी सरकर्दगी में चलाए और किस तरह मुखालिफिन को तक नवाज़ा और किस तरह गरीब परवरी को हुकूमत की तरजीहत में शामिल किया और किस तरह इस्लाम के लिए उनके दिलों के दरवाज़े खोल दिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं नाजन ग्रामी नाजीन इस्लामी रियासत के सरबराह आला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्हस की फ़याज़ाना पॉलिसी के जहनी असरा का अंदाज़ा दूसरी एक मिसाल से बखूबी हो सकता है एक शख़्स आया और उसने अपनी माशी बदहाली का दुखड़ा रोने के बाद सवाल किया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ियों के दरमियान चढ़ती हुई बकरियों का एक रेवड़ उसे इनायत फरमा दिया वो ये अतिया पाकर जामे ना जामे में फूला ना समाता था और कबीले जाकर कहता फिरा क्या कह लोगो इस्लाम कबूल करो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसी सकावत करते हैं कि तंगदस्ती का ख़तरा बाकी नहीं रहता इसी तरह सफ़वान इब्न उमय्या का खुद अपना बयान है कि हज़ुर सल्लल्लाहु अलैहि व्लम ने मुझे माल अता जिसमें तीन सौ बकरियाँ थीं तो इस इनायत का मुझ पर यह असर हुआ कि जहाँ इससे कबल आप से बढ़कर कोई शख्स मुझे नापसंद ना पसंद न था वहाँ अब अलैहि वल् से ज़्यादा कोई महबूब न रहा इसीलिए इसी वाक़े से मुतालिक एक अरबी शेर है जिसका तर्जुमा है ये वह हस्ती है जो वह अता बख्शिश पर आती है तो उसे तहीदस्त हो जाने का अंदेशा नहीं होता खा उसके सामने कितनी ही कसीर मखलूक क्यों ना साहल बन के आए और मुतवातिर ये तांता बंदा रहे सखावत की इसी आम चर्चे का नतीजा था कि हुनैन के अमवाल तक़सीम करके आप अलैहि वसल्लम वापस हुए तो आस पास के बद्दू दौड़े दौड़े आए और आकर लिपट गए कि हमें भी कुछ इनायत हो हज़ूर अक्रमल वम ने परेशानी के आलम में एक दरख्त के तने का सहारा लिया और माजरत करते हुए कहा कि अगर इन जंगली दरख्तों के बराबर भी मेरे पास ऊँट होते तो मैं तुम सब में बाँट देता तुम मुझे बकील ना पाते ना गलत गो और ना कम हौसला मुमकिन है कि एक घटिया जहन इस अता व बख्शिश को ये माने पहना है कि मालो दौलत के ज़ोर से जहन फ़तह किए गए नाउज़ बिल्ला और रिश्वत देकर लोगों को हामी बनाया गया मगर हकीकत बिल्कुल दूसरी थी माशी बदहाली में पिसे हुए लोगों को संभालना और उनको जहनी पस्ती से निकालना इस्लाम की बिल्कुल वसूली तकाज़ों में शामिल था इंसानियत के वो तबकात तो बड़े काबिल रहम होते हैं जो माशरे के म्म की वजह से पेट के मसले में इस तरह इस बुरी तरह घिर जाते हैं कि ज़िंदगी के आला तकाजों पर तवज्जो तक करने का उन्हें मौका नहीं मिलता ऐसे मुसीबत के मारों को तो शायद इनदल्ला भी कुछ रियत मिल जाए अरब की बेशतर आबादी इसी हाल में थी और उनको जहाँ कलम तयबा की ज़रूरत थी वहाँ रोटी कपड़े की भी मोहताजी थी मदीने के लिए नए माशी निज़ाम अख़ूत से बहरामंद होने वालों को शायद पहली बार मौका मिला होगा कि वो बदन की इब्तदाई जरूरियात के लिए घटिया उलझाओं से बालातर होकर ज़िंदगी के आला मसाइल पर सोचें अजीम हकीकतों को सीने में जगा दें कीमती अखलाकी अकदार को अपने अंदर नशोनमुमा दें लाजिमन इकतसदी असला ने इस्लाम के फैलाव के लिए रास्ते हमवार किए होंगे इस्लाम का महाशी निज़ाम तो बाद में तकमीली शक्ल तक पहुँचा होगा जबकि इसके सारे उसूल नाफिज होकर काम करने लगे होंगे लेकिन आसार ही से सेवा की उम्मीदें मदीने से वाबस्त हो गई होंगी कि यहाँ से हमें नूर हक के साथ साथ मसले का हल भी हासिल होने वाला है कोई भी नसल लेके चलिए ना जन और कितना भी अला दर्जे का वसूली काम कीजिए झाती ताल्लुक़ और रवाबित की वसअत बहरहाल उसकी कामयाबी में असरानंदाज होती है मामूली कारोबार से लेकर नज़रियाती इनकलाब तक के मुख्तलिफ काम जो इजतमाही दायरे में सर अंजाम पाते हैं उनमें कोई भी ऐसा शख्स मुश्किल से कामयाब हो सकता है जो आम इंसानी ताल्लुक के लिहाज से कोता हो खलब गुजीन और बेनियाज खलाइक हो नसबी और रहमी रबते इस दिवाजी रिश्ते खुद पैदा करदा दोस्तियाँ और अलाइ गमों और मसरतों की शिरकत मुलाकातें और सलाप्याम एक इंसान केवत नफूस को बढ़ाते हैं जाती तल्ल और शख्स लिहाजदारियाँ गैर शहरी तौर पर बड़े बड़े उसूली मामलत का रुख बदल देती हैं और उनकी वजह से कितने ही सियासी फ़ैसले किसी खास सूरत में तय पा जाते हैं बिला इंसानी क़ियादत में वही शख्सियत कामयाब रहती है जिसके आलाइ का दायरा वसी हो और वह ख़ुद वसी तर करे और हर ताल्लुक़ के हकूक़ अदा करे इस पहलू से जब हम महसिन इंसानियत महम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसलम की मुकदस शख्सियत पर निगाह डालते हैं तो नसबी, खूनी सहरी रज़ाई दलाई आलायक यानी ताल्लुक़ मोहब्बतें दोस्ती लगाव का दायरा बड़ा वसी पाते हैं नीज उसके साथ साथ दोस्ती और रिफाकत और आम शख्स तल्लत का हल्का रोज़ अफजू देखते हैं फिर उन गागु लाइक के अलाइ से हजूर अक्रम सलील् किसी इंसानी किसी इंसान गुरीज बढ़तर शख्सियत की तरह बेनियाजी नहीं बरतते उनको बार गिर और दर्द सर नहीं समझते बल्कि उनको हसन ख़ूबी से निभाते हैं उनके हकूक़ अदा करते हैं उनके इसहकाम देते हैं बही तरीन रिश्तों का भी इतना अहतराम और लिहाज हजूर अक्रमल वम को था कि जमात को ताक़ की कि जब तुम मिस्र को फ़तह करो तो इसके बाशिंदों से उसने सलूक करना क्योंकि उनकी तरफ से तुम पर सिलारहमी की ज़िम्मेदारी आयद होती है वजाहत फरमाई किरत इसलुसम की वालदा उन्हीं में से है नबी करीम की वसी तक ने भी इस्लाम के फ़र और दावत हक़ के अवाी नफाज को बढ़ाने में बड़ा भारी असर डाला है आज निगर सिलसिला जारी रहेगा मुझे यहाँ पर इजाजत दो असम वरम वक